हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ NLU जोधपुर के बारे में कि किस तरह से इसमें आपको एडमिशन लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट ऐप में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पर लिखा है NLU एडमिशन 2023 क्लैट एडमिशन स्टार्टेड। एडमिशन इसका स्टार्ट हो चुका है। डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस। फिर आप यहाँ पे एक फॉर्म आएगा जहाँ पे उसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड फिर आपको गेट फ्री काउंसलिंग में क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NLU जोधपुर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में पार्वल यूनिवर्सिटी, मणिपुर एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है फ्री फ्लो में। आप चाहे इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है 8 अगस्त 2022 को यह स्टार्ट हो चुका था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सेट दिया गया 14 अक्टूबर, यहाँ पे 22 अक्टूबर का लास्ट डेट था। और फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट या फिर इन सब का अभी डेट नहीं आया है। जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। एग्ज़ाम डेट आपको 18 दिसंबर में है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, उसके बाद आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है यहाँ पे दिया गया है, 12th का मार्कशीट चाहिए रहता है, बैचलर मार्कशीट, मास्टर डिग्री मार्कशीट, बहुत सारे यहाँ पे मार्कशीट्स दी गई हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, फिर आपको उस एड्रेस से आपको सेंड करना रहता है। फिर यहाँ पे जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपको BBA+LLB कोर्स कंप्लीट है आपको, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th में जो 45% होने चाहिए इन एनी सब्जेक्ट, आपको मिनिमम 45% होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। क्लैट सेलेक्शन प्रोसेस का है, आप क्लैट है। फिर नंबर सीट्स 100+15 सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस, किस तरह से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके प्रोसेस यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है, उसके बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना रहता है। फिर आपको 12th में एटलीस्ट 45% होने चाहिए और यहाँ पे LLB में आपका 55% होने चाहिए। ऐसा यहाँ पे हर एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आपने मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर, अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नेम आया, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए थे हर एक सब्जेक्ट में, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए।